प्रदीप चौधरी जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो लड़ाई है वो ब्रजवासी वर्सेस प्रवासी की है, जैसा लोग भी कह रहे हैं, यही वजह है क्या कि मुकेश धनगर जी को आपने उतार दिया कि कुछ फायदा हो जाए? बिल्कुल सही कहा है, लड़ाई ब्रजवासी और प्रवासी में है। राया आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, दीपावली पर 14 लोग जलकर मर गए पटाखे में, हेमा मालिनी उनके घर आंसू पहुँचने नहीं गई। जनप्रतिनिधि का ये काम होता है, किसी का दुख दर्द बांटने में हेमा मालिनी अगर एक भी दिन गई हो तो एक फोटो दिखा दो, किसी की गमी में गई हो एक फोटो दिखा दो, किसी की शादी में गई हो एक फोटो को दिखा दे। हमको हमारा लोकल प्रत्याशी चाहिए, और इस देश में इस समय लड़ाई, इस देश में जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचारी और ईमानदारी की लड़ाई है। इस देश में भाजपा ने एक सूची जारी की देश के 25 सबसे भ्रष्ट नेताओं की, जिनको चक्की पिसिंग करा रहे थे, जिनके ईडी भेजते थे, 25 में से 23 लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। मैडम एक बार सुनिए, 25 में से 23 लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, क्या आज वो भ्रष्टाचारी नहीं है? आज देश के प्रधानमंत्री जिस निम्न स्तर का भाषण दे रहे हैं, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद उनको वोट मांगना चाहिए नौकरी के नाम पर, उनको वोट मांगना मतलब चाहिए अगली बार। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं प्रदीप जी कि अगली बार जब प्रधानमंत्री अपनी कैंपेनिंग करें तो एक बार समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं क्यों, कैसे क्यों नहीं पूछेंगे? हमारे मुद्दे समाजवादी नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम के अलावा विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम के अलावा मंदिर मस्जिद के अलावा नौकरी की बात करें। देखिए देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, सुनिए प्रदीप भाई, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये प्रधान का चुनाव नहीं है। कौन के यहाँ गए किसके यहाँ नहीं गए इस पे ये तय नहीं करेगा। आज नरेंद्र मोदी जी एक ब्रांड है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ब्रांड है वो, ऐसा व्यक्तित्व वो केवल भारत के नेता नहीं, आज पूरी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी की बात करूं तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। अच्छा किसको वोट टिकट दिया है? तेज प्रताप यादव को, डिंपल यादव को, शिवपाल यादव जी के लड़के को, धर्मेंद्र यादव को, राम गोपाल यादव जी के लड़के को, और एक आदो होगा उसके लिए पहले ही सीट तय कर रखी होगी। तो ये कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, ये पार्टी जनता की पार्टी है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये पार्टी चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनाने वाली पार्टी है। उस बात का तो आपने जवाब नहीं दिया कि विकास नहीं हुआ, हेमा मालिनी कहीं जाती नहीं है, इसका भी हेमा मालिनी ने जो विकास के कार्य किए बताता हूँ आपको, यहाँ की जनता उसे गोवर्धन की परिक्रमा का पूरा विकास हुआ है, 84 कोस की परिक्रमा का विकास हो रहा है, और ये और यमुना में इतना सीवेज बनता था उसका विकास हो रहा है, जितना विकास कार्य मथुरा में हुआ है कोई नहीं कर पाया है। आप देखिएगा जाकर के रेलवे स्टेशन का कितना बड़ा सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, और ये सामने रेलवे स्टेशन है जिनको 20 को हमने जमुना में गिरने से बंद करा दिया है, और 4 अभी बाकी हैं, हमें ऐसे झूठे सांसद की आवश्यकता। आ रही हूँ राजेश जी, चलिए आप तो जवाब दे रहे हैं, नरेंद्र जी ने चूंकि आप लोग का साथ आजमा लिया है, आरएलडी आपके साथ आ गई है, जरा मैं ये बोलने जा रही हूँ, नरेंद्र जी साथ तो आप आ गए लेकिन जनता को विश्वास नहीं है विकास पर, बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए विकास तो 84 कोस परिक्रमा का भी हो रहा है, चल रहा है, पाइपलाइन में है, लेकिन उतना अपेक्षा से नहीं हुआ। नहीं वो हो रहा जो काम हो रहा है उसको नकारिए मत। आप लोग नहीं गए होंगे वहाँ, आपने नहीं देखा होगा, लेकिन 84 कोस पे मैं क्षेत्रों में जाता रहता हूँ, मुझे मालूम है वहाँ विकास हो रहा है, हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है, पूरा नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि जितना होना चाहिए था, क्योंकि देखिए हमारी 3-4 tier सिस्टम है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, यहाँ का MLA MP भारतीय जनता पार्टी और पार्षद पार्टी, 4 tier पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद भी मथुरा को इतना अनुदान मिला है, यमुना सफाई के लिए करोड़ों रुपया मिला, उसका बंदरबांट हो गया, सबसे बड़ी वेदना है। दूसरी बात पे एक बताना और चाहता हूँ, जो कि भारी यहाँ की बेरोजगारी से जुड़ी हुई है, मथुरा ताट ट्रोपोजियम में आता है, ताट ट्रोपोजियम के जैसे 80 किलोमीटर के डाया में कोई उद्योग नहीं लग सकता, तो यहाँ पर कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें हमारा नौजवान लड़का नहीं। आज आप ये बात कह रहे हैं कोई उद्योग नहीं लग सकता, लेकिन 2019 में तो आप जब साथ में थे SP और BSP के तो कहते थे भाई उद्योग तो लग सकता है, सरकार लगाना नहीं चाहती, ये किस तरह की राजनीति है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि लगाना नहीं चाहती, प्रयास नहीं हुए। हम तो योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आकर के रैली कर रहे थे तो वही कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी हो या BSP हो, ये तो माफियाओं को अपने गले का हार बना करके पहनाते थे, लेकिन हमने सही मायनों में बेटियों को सुरक्षा दी है और व्यापारियों को सुरक्षा दी। एक महिला होने के नाते खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है? कितना सुरक्षित खुद को महसूस करती है? रात में घर से निकलने में डर लगता है?
सुरक्षित है, हमें कोई डर नहीं लगता। कोई डर नहीं लगता मतलब पहले डर लगता था निकलने में? हाँ, अब हम सुरक्षित है, हमें कोई डर नहीं लगता। पहले डर लगता था लेकिन अब डर नहीं लगता है। चलिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तो जनता साथ दे रही है, लेकिन विजय चौधरी जी, मैं चाहूंगी, ये जनता है, इसी को तो वोट करना है। ये कह रहे विकास नहीं हुआ, आप क्या करें? सबसे बड़ी बात ये है, हर आदमी विकास को अपने तरीके से चाहता है। वो पार्षद से भी वही विकास चाहता है, सांसद से भी वही विकास चाहता है, और MLA से भी वही विकास चाहता है। इन लोगों को सही मायने में ये नहीं पता कि हम किसको चुनते हैं और किसके लिए चुनते हैं। यदि हम सांसद को चुनते हैं तो देश में बनने वाले कानूनों के लिए चुनते हैं, बड़े कार्यक्रमों के लिए चुनते हैं, और जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, वो सही पात्र लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, इसलिए चुनते हैं। एक मिनट, जनता से मैं आग्रह करूंगी, देखिए आप लोग वोटर हैं, एक सेकंड को। सही बात ये है कि इन लोगों को ये, हाँ बोलिए विजय जी, किस लिए चुन रहे हैं? विजय जी बात करें, ये पार्षद को भी, पार्षद से भी जो सांसद से उम्मीदें हैं लगाते हैं, MLA से भी वही उम्मीदें लगाते हैं, मंत्री से भी वही उम्मीदें लगाते हैं। इन्हें पार्षद से भी सड़क नाली खरंजाई चाहिए और इन्हें प्रधानमंत्री से भी सड़क नाली खरंजाई चाहिए। अच्छा, नहीं एक सेकंड भाई साहब, एक बात बताइए। चलिए, वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी मुद्दे और स्थानीय मुद्दे सब अलग अलग होते हैं। आप जरा मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आप लोग भी मानते हैं ये जो चुनाव है ये राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद है? बुरा मत मानना मैडम, मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा, आपके चैनल पे तो भाजपा का ठप्पा लगा हुआ है। आप ना आप लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं जरा कहूंगी इस बात को कहूंगी, अगर आप अपनी भाषा की मर्यादा भूल गए, अपनी मर्यादाओं को भूल गए, तो मैं कहूंगी इस कार्यक्रम में आप जा सकते हैं। बातें हम विकास की कर रहे हैं, कोई भी गलत बात मैं अलाउ नहीं करूंगी। मुझे बताइए जरा, राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद की लड़ाई मान? मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश की जनता आज महंगाई से त्रस्त है। मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूं, जब क्रूड ऑयल हमारा 150 रुपए आता था, उस समय हमारा पेट्रोल केवल 70 रुपए होता था। आज क्रूड के दाम जो केवल 70-80 रुपए है, लेकिन हमारी गैस जो 1100 हो गई है, डीजल हमारा 100। जवाब दीजिए राजेश जी, जवाब दीजिए, महंगाई से भी लोग त्रस्त है। वो कह रहे हैं महंगाई के लिए सरकार क्या कर रही है, आगे आने वाले वक्त में क्या करेगी, बताइए। देखिए, जवाब तो उस गरीब से लीजिए जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला है। दर्द उससे पूछिए जिसके घर में गैस का सिलेंडर नहीं होता था, जिसको गैस का सिलेंडर मिला है। अरे, सरकारी योजना का लाभ उसको पूछिए जिसको किसान सम्मान निधि मिलती है। सरकारी योजना का लाभ उसको पूछिए जिसका बेटा बीमार हो जाता है और 5 लाख तक का इनाम इलाज जो है फ्री में जाकर के हॉस्पिटल में कराता है। तो ये जो है सरकार गरीबों की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही दिन कहा था जब सरकार संभाली थी कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी। गरीबों की सरकार है मानते आप? जी, ये बिल्कुल गरीबों की सरकार है, और जो माननीय मोदी जी ने किया है ना, अदर में कोई किसी ने ऐसा कार्य अभी तक नहीं किया है। ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है, और लोग कहते हैं तो उसको कहने दें, लेकिन ये सरकार ने जो कार्य किया अदर कोई नहीं कर सकता है।